मेरे साथियों, यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम पूछने वाले हैं बहुत ही मजेदार सवाल है जिसका उत्तर आपको शायद ही मालूम है। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन ऑन कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका अगला सवाल है लदांग संबंधित है। ए पशुचारण से, बी स्थानांतरणशील कृषि से, सी दुग्ध पशुपालन से, डी बागानी कृषि से। आपका सही जवाब है बी स्थानांतरणशील कृषि से। आपका अगला सवाल है लदांग जलवासी कृषि किस देश से संबंधित है। ए ब्राजील, बी मलेशिया, सी श्रीलंका, डी इंडोनेशिया। आपका सही जवाब है बी मलेशिया। आपका अगला सवाल है सामान्य जीवन निर्वहन कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। ए हुमा, बी मिल्पा, सी चिन्ना, डी कोनुको। आपका सही जवाब है सी चिन्ना। आपका अगला सवाल है थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। ए तमराई, बी टावी, सी हुमा, डी तुंग्या। आपका सही जवाब है ए तमराई। आपका अगला सवाल है वियतनाम एवं लाओस में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। ए टावी, बी तमराई, सी तुंग्या, डी रे। आपका सही जवाब है डिरे। आपका अगला सवाल है म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि किस नाम से जानी जाती है। ए तुंग्या, बी कांगिंग, सी रे, डी तमराई। आपका सही जवाब है ए तुंग्या। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ए मसोले कांगो, बी चेन्ना म्यांमार, सी तमराई थाईलैंड, डी टावी मालागासी। आपका सही जवाब है बी चेन्ना म्यांमार। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। ए रोका ब्राजील, बी कांगिन फिलीपींस, सी लदांग म्यांमार, डी रे वियतनाम। आपका सही जवाब है सी लदांग म्यांमार। आपका अगला सवाल है ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है। ए अंगूर की खेती से, बी बागवानी कृषि से, सी जलज कृषि से, डी रेशम कीट पालन से। आपका सही जवाब है बी बागवानी कृषि से। आपका अगला सवाल है महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों सब्जियों एवं फूलों की गहन कृषि को कहा जाता है। ए बाजार कृषि, बी ट्रक फार्मिंग, सी उद्यान कृषि, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब है ए बाजार कृषि।